नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की आवाज को उठने ही नहीं दिया जाता। वहां से अल्पसंख्यकों पर धर्म परिवर्तन और हिंदू लड़कियों को अगवा करके जबरन उनका धर्मांतरण कराने की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। बर्बरता की हदें वहां पार हो जाती हैं। लेकिन अब उसी पाकिस्तान में पहली बार किसी हिंदू लड़की को बड़ा सम्मान मिला है। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की एक 27 साल की लड़की सना रामचंद गुलवानी को असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति दी गई है। वो पंजाब प्रांत में सहायक आयुक्त और प्रशासक के रूप में नियुक्त हुई हैं। सना ने सेंट्रल सुपीरियर सर्विस CSS 2020 में पास किया था। पेशे से वो एक MBBS डॉक्टर भी हैं। 2020 में वो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज परीक्षा पास करने के बाद पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा में शामिल होने वाली हिंदू समुदाय की पहली महिला बनी। गुलवानी ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में परीक्षा को क्लियर भी कर लिया। 2016 में उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी की डिग्री के साथ यूरोलॉजिस्ट के रूप में ग्रेजुएशन भी की। इसके बाद ही उन्होंने CSS परीक्षा की तैयारी शुरू की और उसमें उन्होंने कामयाबी भी हासिल की है। अपनी कामयाबी पर उनका कहना है कि मुझे नहीं पता कि मैं पहली हूँ या नहीं, लेकिन मैंने अपने समुदाय से किसी भी महिला को परीक्षा में शामिल होने के बारे में कभी नहीं सुना। इस बारे में डॉन अखबार ने बताया कि उन्होंने अटक जिले के हसन अब्दाल शहर में सहायक आयुक्त और प्रशासक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आई है कि गुलवानी ने अपने पहले ही प्रयास में इस परीक्षा को पास किया। वहाँ के हिंदू समुदाय के कई कार्यकर्ता बताते हैं कि विभाजन के बाद से इस परीक्षा को पास करने वाली वो समुदाय की पहली पाकिस्तानी महिला बन गई है। पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। आधिकारिक अनुमान के मुताबिक पूरे मुल्क में 75 लाख हिंदू आबादी रहती है। पाकिस्तान की अधिकांश हिंदू आबादी सिंध प्रांत में ही बसी हुई है। तो ये थी पाकिस्तान में असिस्टेंट कमिश्नर बन नियुक्ति पाने वाली सना रामचंद गुलवानी से जुड़ी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।